हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। बड़ी बहस के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि राहुल लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणाओं की तलवार को और तेज धार देंगे। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। मैनिफेस्टो में रोजगार, पर्यावरण और शहरीकरण पर फोकस रह सकता है। हालांकि इस बार राहुल की घोषणाएं जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो 2014 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो से अलग होगा। नजरें इस पर लगातार बनी हुई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो पहला सवाल यही कि आज कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो कैसी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं, नजरें इस पर आपकी कैसी? नहीं, देखिए कुछ तो बातें हैं जो कि इनके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सभाओं में कहते रहे जी। तो उसमें सबसे पहला तो मैनिफेस्टो में जो इनकी न्याय योजना है 72,000 रुपए सालाना देने की, उसका उल्लेख होना ही चाहिए। फिर किसानों के कर्जे की माफी को लेकर के इनका हमेशा एक रुख रहा है, तो किसानों की कर्ज माफी भी एक मुद्दा मैनिफेस्टो में होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा है कि हम जो डीमोनेटाइज स्कीम की थी मोदी सरकार ने, उसको रीमोनेटाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो तो बताया नहीं, लेकिन इसके बारे में भी इनके मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ उल्लेख होना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो इन्होंने जीएसटी को लेके कहा है कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उस पर हम समझते हैं कुछ न कुछ विचार मैनिफेस्टो में आने चाहिए। इसके साथ फिर जो इनकी है कि भाई ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया है, हाँ। ट्रिपल तलाक के खिलाफ, तो उसको ये लोग रद्द करेंगे, तो ऐसा इनका मानना है, तो वो उसका हिस्सा होना चाहिए। फिर अब की बार आखिरी दिनों में इन्होंने ये बात उठाई थी लोकसभा में कि जो महिलाओं का आरक्षण 33% जो देने की बात है, तो वो मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि मैनिफेस्टो में ये उस बात को भी लेकर आए। फिर जैसे कांग्रेस ये बीजेपी का एक ओआरओपी को लेके रहा है, तो हो सकता है ये कहें कि भाई ओआरओपी पूरे ढंग से नहीं दी गई है, तो उसके बारे में कुछ ये अपनी बात को सामने लेकर के आए। तो ये तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि मतलब ये बोलते रहे हैं, और उन मुद्दों पे हम समझते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ जगह इस पर मिलनी चाहिए जी। इसके हाँ बताइए, इसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि अगर इनकी अपनी विचारधारा को लेके हम चलें, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पिछली बार इनके छूट गए थे। हाँ। जैसे कम्युनल वायलेंस बिल ये नहीं ला पाए थे, तो हो सकता है कि अगर हिम्मत पड़ेगी तो हो सकता है ये कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर के इस बार आए। फिर एक लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल बनाने के लिए, तो हो सकता है कि उस मुद्दे को ये लेकर के आए। फिर पाकिस्तान से फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो सकता है ये आ सकते हैं कि भाई बातचीत से हम मसलों को सुलझाएंगे, तो ये एक इनका इसमें एक मुद्दा हो सकता है जी। एक यूपीए के टाइम में एक इन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी इंटरलोक्यूटर्स की कश्मीर को लेके, जो कभी टेबल नहीं हुई और जिसकी कभी चर्चा भी नहीं हुई। हालांकि हमें जो इधर उधर से जानकारी है उसमें ये था कि भाई जम्मू और लद्दाख को यूटी बना देंगे और कश्मीर को ऑटोनोमी देकर और जो पीओके है उससे जोड़ के उस एलओसी को फ्री कर देंगे, तो उस समय तो इनकी हिम्मत पड़ी नहीं थी। हाँ, अब देखना यह है कि ये उसको यहाँ पे ला पाएंगे या हाँ, नहीं। सुरेश जी, ये एक 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 अहम बात आपने कही, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या हलचल देखने को मिल रही है? आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे 2019 के लिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कुछ ही देर बाद कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में ये पूरा जो घोषणा पत्र है कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाएगा कि किस प्रकार से उनकी घोषणाएं जो है वो रहने वाली है। खासतौर से हाल ही में जिस प्रकार से न्यूनतम आय की बात जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, 72,000 रुपए सालाना देने को लेकर के जो बात कही गई है वह अपने आप में चर्चा का विषय बनी थी, और उसको मुख्य तौर से न्याय योजना का नाम देते हुए
कांग्रेस जो है आज अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। इसी के अलावा जिस तरीके से हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में जिस प्रकार से सरकार बनी थी और कर्ज माफी को लेकर के एक मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने इसमें पहल की थी, उसी प्रकार से अब केंद्र की तरफ से भी किसानों को कर्ज माफी को लेकर के कोई ऐलान जो है वो अपने घोषणा पत्र में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्वास्थ्य का अधिकार और खासतौर से ओबीसी समुदाय या दलित समुदाय को लेकर के विशेष अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से शामिल की जा सकती है। फिलहाल जो बातें आ रही है इसके साथ साथ पिछले मैनिफेस्टो से भी कुछ चीजों को उठा करके एक बार फिर कांग्रेस अपने इस मैनिफेस्टो में उनमें कुछ बढ़ोतरी करते हुए शामिल कर सकती है। चलिए जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि पिछले मैनिफेस्टो से भी कुछ घोषणाएं ली जा सकती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाई थी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। सुरेंद्र जी, एक अहम बात जो आपने कही तो मेरा सवाल उससे ही जुड़ा हुआ है कि क्या अब जो आपने कहा LOC को फ्री करने का, तो तब उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया है सरकार की तरफ से कि सेना के शौर्य पर विपक्ष जो है वह सवाल उठा, तो क्या अब वो हिम्मत आएगी कांग्रेस में कि वो इसे मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है? उस समय जो हालात थे, सरकार बनी थी तो उस समय भी ये चाह रहे थे कि इसको करें, लेकिन चुनाव नजदीक आते जा रहे थे और जो ऑफिशियल लेवल पे इसका काफ़ी विरोध था कि भाई ये योजना ठीक नहीं रहेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि वो इंटरलोक्यूटर की रिपोर्ट न तो इन्होंने टेबल की, न उस पर कोई चर्चा हुई, वो फाइलों में ही दब के रह गई है। लेकिन कश्मीर को हल करने का इनका अपना एक वो तरीका था। अब अगर वो उसको मैनिफेस्टो में लाते हैं तो उस पर दोनों तरफ से लिहाजा है कि प्रतिक्रियाएँ होंगी जी। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि इनकी विचारधारा है, तो उस विचारधारा में जब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे हों और बातचीत से हों, और पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर ही एक मुद्दा है, उसके अलावा तो कोई झगड़ा है ही नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो हो सकता है कि फिर से ये लोग एक कोशिश करें उस मुद्दे को वापस से उठा करके और सामने लाने की। अब किस रूप में ये कर पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो उस समय बात नहीं हुई थी। ऐसे ही एक कम्युनल वायलेंस बिल भी है जो पिछली सरकार ने बनाया था, और उस पर ओवैसी और बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप इसे लाए क्यों नहीं जी। तो कम्युनल वायलेंस बिल में भी यही समस्या है कि उस बिल में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी होगी कहीं पर भी अगर कोई कम्युनल वायलेंस होता है, और उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने नहीं किया है, और फिर उसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो उसका भी बहुत विरोध एक लेवल पे हुआ था कि भाई आप ऐसे कैसे किसी भी कम्युनिटी को पहले ही कानून में ये कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनल वायलेंस के लिए यही कम्युनिटी जिम्मेदार है। लेकिन अब जैसे जैसे इन पिछले 4-5 सालों में इनका रुख साफ हुआ है अपनी नीतियों को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बिल है। और ट्रिपल तलाक को लेकर तो इन्होंने घोषणा ही कर दी है कि भाई वो हम खत्म कर देंगे। 33% आरक्षण भी इनके समय में ही चला था, वो पास नहीं हो पाया क्योंकि जो सहयोगी दल हैं वो इसके खिलाफ थे। अब वो उसको किस तरह से ये ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में तो जगह देंगे ही, क्योंकि बाद में नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि भाई सहयोगी दल नहीं चाहते हम क्या करें, लेकिन ये एक मुद्दा इसमें ये लोग उठा सकते हैं। अच्छा, हम न्याय स्कीम की अगर बात करें, कितना बड़ा गेम चेंजर आपको लगता है सुरेंद्र जी कि ये साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा इस वक्त का इश्यू उठा दिया राहुल गांधी ने जिसने कहीं ना कहीं भूचाल बवाल और उबाल तो ला ही दिया है फिलहाल सियासत में। नहीं देखिए, ऐसा है कि जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन तो लोगों को लग रहा था कि भाई गरीबों के लिए कुछ योजना है, लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी इस न्याय योजना में क्या है ये किसी को स्पष्ट नहीं है। नहीं है तो क्या अभी आज स्पष्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, आज हम उम्मीद करते हैं क्योंकि कभी ये कहते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट होगा तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। कभी ये कहते हैं कि ये टॉपअप स्कीम होगी, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि ये टॉपअप स्कीम नहीं होगी, फिर ये कहते हैं कि भाई सब्सिडीज बरकरार रहेंगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जैसे हम भी सरकारी तंत्र का हिस्सा रहे हैं, कि अगर ये योजना किसी भी रूप में लागू हो, चाहे ये पायलट प्रोजेक्ट में हो, चाहे ये टॉपअप में हो, चाहे ये वैसे हो, ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार,
भाई भतीजावाद और घोटाले की योजना होगी, क्योंकि इस योजना में बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हम ये मानते हैं, जैसा इनका कहना है कि भाई 12,000 रुपये प्रति माह एक फैमिली की इनकम होनी चाहिए तो वो एक एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, डिग्निटी की लाइफ जी सकता है। अब 12,000 इनकम तो वो जो लोग हैं जिनको देनी है, तो उनकी कहीं ऑन रिकॉर्ड इनकम नहीं है, बिल्कुल, वो कोई मजदूरी से कमा रहा है, कोई किसी ढंग से कमा रहा है। तो अब उसमें यह है कि मान लो किसी की 6,000 है तो उसे 6,000 देंगे, किसी की 7,000 है तो उसे 5,000 देंगे, किसी की 8,000 है उसे 4,000 देंगे, 11,000 है तो 1,000 ही देंगे, और किसी के कुछ भी नहीं है तो 12,000 देंगे। तो ये कैसे तय होगा? जिस सेक्टर में, जिस गरीबी में जो लोग रहते हैं उनकी आय कहीं पे उसका रिकॉर्ड नहीं है, नहीं है बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे तय करेंगे कि भाई इस व्यक्ति की आय क्या है? और अगर आपने कहा कि हम तय नहीं कर सकते, हम तो ये 25% जो गरीब है सबको 6,000 रुपये दे देंगे, तो फिर उसमें एक प्रश्न उठेगा कि भाई इक्विटी कहाँ है? जो 12,000 कमा रहा है उसको भी आप 6,000 दे रहे हैं, जो कुछ नहीं कमा रहा है उसको भी आप 6,000 दे रहे हैं, तो उसको 12 क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर उसमें जैसे पहले होता था मनरेगा की योजनाओं में या और जो योजनाएं होती थी कि जिसमें ये कंफ्यूजन होता है कि आप तय नहीं कर पाते हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, तो उसी में भ्रष्टाचार होता है। तो फिर आप जो है, हाँ जी ये मेरा है, ये तेरा है, ये सरपंच का लड़का है, ये सरपंच की बीवी है, ये फलाने का है, ये मेरा कार्यकर्ता है, तो जैसे मनरेगा में होता था, हम लोग तो गांव से हैं और हम लोग नौकरी में भी हैं और राजनीति से भी हम लोगों का थोड़ा बहुत संबंध रहा है नौकरी में रहते हुए। तो मनरेगा में क्या होता था, सरपंच की बीवी को घर बैठे तनख्वाह मिलती थी, तहसीलदार के रिश्तेदार को घर बैठे मनरेगा का पैसा मिलता था, क्योंकि मिट्टी खोदो मिट्टी हटाओ तो मिट्टी कितनी खुद रही है कितनी हट रही है कोई हिसाब उसका होता नहीं था, क्योंकि उसमें असेट क्रिएशन नहीं था मेजर फैक्टर। तो ऐसे ही ये जो इस तरह की, ऐसे ही पीडीएस में था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। अब बीपीएल में आपको हम बताएं कि मतलब जिन जो 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 रिच लोग थे जिनके पास ट्रैक्टर है, 10-10 एकड़ जमीन है, और गांव में उनके बीपीएल के कार्ड बने हुए बिल्कुल थे, और जिनके पास बीपीएल, अब हम लोग जाते थे गांव के, साहब हमारा कार्ड बनवा दीजिए, देखो इसका बन गया हमारा नहीं बना। तो जब तक कोई ऐसा क्राइटेरिया आप फिक्स नहीं करें, जैसे मैं एक बहुत पुराना उदाहरण देता हूँ, एक बार ये स्कीम आई थी अंत्योदय की, जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान फोन लाइन पर है। वीरेंद्र जी आवाज मिल रही है? जी स्वागत है जी। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, राहुल गांधी आज इस घोषणा पत्र को पेश करेंगे, तो नजरें बीजेपी की जरूर इस पर टिकनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता ही है कि न्याय स्कीम का ऐलान करके एक तरीके से थोड़ी सी गर्मी ला चुके हैं सियासत में, तो कैसे देख रही है बीजेपी? देखिए चुनाव का महाभारत है, चुनावी दंगल में सब दल अपने अपने दावे करते हैं, वादे करते हैं, और घोषणा पत्र भी उसी सारी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कांग्रेस हालांकि देश से निपटी हुई पार्टी है, सिकुड़ी हुई पार्टी है, सिमटी हुई पार्टी है, परंतु चुनाव में, चुनाव के लिहाज से देखें तो वो अभी भी देश में जैसी कैसी बची हुई है, वो एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी हम उसको मानते हैं, तो निश्चित रूप से उनके घोषणा पत्र में वो किस किस तरह की गुमराह करने वाली घोषणाएं करते हैं, लोगों को भरमाने वाली बातें करते हैं, उन पर हमारी निगाह रहेगी, और वो जो कहेंगे उसका विश्लेषण करके हम देश और प्रदेश की जनता के पास जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनको देश में और प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सत्ता शासन में रहने का अवसर मिला है, इनके पुराने घोषणा पत्र उनका भी हिसाब इनसे मांगा जाएगा कि भैया तुम इतने लंबे समय तक, इतने लंबे अरसे तक गरीबी हटाओ करते करते 4-4 पीढ़ियां तुम्हारी निकल गई, फिर भी तुम वहीं पर आकर के तुम्हारी सुई क्यों अटकी है, ये सारे सवालात उठेंगे जब भी अपनी बात लेकर के आएंगे अपने घोषणा पत्र में। ये देखने वाली बात है कि क्या कहते हैं जी। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस नरेश शर्मा है इस वक्त फोन लाइन पर। नरेश जी आवाज मिल रही है? जी मैम बिल्कुल जी। आपने वीरेंद्र सिंह चौहान की बातों को सुना क्या? कांग्रेस का आज घोषणा पत्र आ रहा है, आपके अध्यक्ष जो है राहुल गांधी वो आज घोषणा पत्र जारी करेंगे, तो ऐसे में जी तो बीजेपी ये कह रही है कि अब बहुत सालों तक जनता को बरगला लिया झूठे वादों से, और जनता इस बार झांसे में नहीं आने वाली है, क्या कहना है आपका?
नहीं, तुमलेबाजी का लाइसेंस तो बीजेपी के पास है जी। और इनके खिलाफ कोई जिस तरह ये बोल रहे थे, जुमले बता रहे थे वीरेंद्र जी कि इनसे हिसाब लिया जाएगा, तो देश आजाद होया तो सफल और सक्षम और सुदृढ़ स्थिति नहीं थी, खाने के लिए अनाज भी नहीं था हमारे पास। ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है और ये कांग्रेस पार्टी का भी संविधान है जिसमें ये आजादी में खुला सांस ले रहे हैं, सबोड़ कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इनको कि इनके खिलाफ तो कोई बोल लगा सच को साबित करने की कोशिश करेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। देशभक्ति का भी आजकल इनके पास लाइसेंस है, परमिशन देने का, डिग्री देने का लाइसेंस भी इन्होंने ले लिया है। सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। ये अपना पिछला घोषणा पत्र पढ़कर सुनाने की हिम्मत है बीजेपी के किसी नेता के अंदर? ये पढ़कर सुनाए और ये खुद बता दे, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में काला धन आएगा नोटबंदी से, गरीबी की कमर तोड़ दी, बात करते थे आतंकवाद की कमर तोड़ने के, किस मुंह से ये इतरा रहे, शर्म आ रही थी इनको। और इनका तो वोट मांगने का भी अधिकार खत्म हो गया जिस तरह जनता को प्रदेश और देश की गोबर गलाया। चौहान साहब सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, अब नहीं सुनाई देगा शायद इनको। जी जी नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं जी। नरेश जी जो जो सवाल उठा रहे हैं इनके जवाब जनता को हम ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी थी पंडित जी महाराज, आतंकवाद की ताकत रहे, आतंकवाद की नोटबंदी पर रोका जा सकता है तो ठीक है, मुझे मेरा कनेक्ट कर दें आप अगर इनको ही बोलना है। नहीं नहीं चौहान साहब आप अपनी बात रखिए, नरेश जी उसके बाद भी जवाब देंगे आप। हमने कहा था हम आतंकवाद और पैक्स पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आज तक की सबसे निर्णायक कार्रवाइयां की हैं। हमने देश की सेना के भीतर ये विश्वास पैदा किया है कि जब कहीं कोई सुरक्षा बलों पर हमला होता है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो उसको उसका पुरजोर जवाब देने का उनको पूरा अधिकार है। ये वो लोग हैं जो सेना के हाथ बांध कर रखते थे। हमने अगर नोटबंदी की तो भ्रष्टाचार पर, काले धन पर उससे प्रहार हुआ, व्यवस्था में पारदर्शिता आई, लाखों की संख्या में फर्जी कंपनियां जो कांग्रेसियों और उनके मित्रों की थी वो हमने बंद कर दी। इससे बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर कोई हो नहीं सकती थी। एक आज नहीं, मैं कह रहा हूं लाखों की संख्या में काला कारोबार करने वाले कांग्रेसियों समेत और जो गोरख धंधा करने वाले लोग हैं उनकी कंपनियां सब हमने बंद की ना। जब हमने आंतरिक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की इनको दर्द तो इसी बात का हुआ। हमने इस देश के एक एक गांव में बिजली पहुंचा दी, 18,500 गांव इनके दशकों के राज के बावजूद बिजली से वंचित थे, 8 करोड़ परिवारों को निशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया, इनको याद नहीं आया था। कई करोड़ शौचालय स्कूलों में बच्चियां जाती थी, आप सोचिए सुबह जाती हुई बच्ची शाम को जब वो आती थी उसके पास विकल्प नहीं था कि वो शौच कहाँ जाएगी, इनको ध्यान नहीं आया। नरेंद्र मोदी को ध्यान आया, हमने वो काम करके दिखाया है। हमने 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का एक परिवार के लिए एक साल में स्वास्थ्य का खर्चा। चलिए जॉन साहब, इसे नरेश जी के एक सवाल का जवाब दो। जी जी नरेश जी के एक सवाल का जवाब शायद उनको मिल रहा है कि आपको जो पिछली घोषणाएं हैं वो याद नहीं है। नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जो काम आप लोगों ने नहीं किए वो मोदी सरकार ने कर दिया, कहना है बीजेपी का? सुनिए आप, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते थे आतंकवाद की कमर टूट गई, पुलवामा हमला सैनिकों पर हुआ घात लगाकर। मैं ये कह रहा हूँ कि कुंभकर्ण की नींद थोड़ी थी, गाय पान की पुड़की भी नहीं ले जा सकता, बीड़ी का बंडल नहीं ले जा सकता। 500 करोड़ चले गया, कहाँ छोड़ी थी ये सरकार की असफलता है या सफलता? ये हमारे को देश जो इकरार दे देंगे अगर हम सच बोलेंगे तो। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम चल रहा है सारा ये, और हम देश भगत है, जान हथेली पर रख के जिंदा रहते हैं हम, हमारे को परवाह नहीं है ऐसे ऐसे जुमले बातों की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी में हमने इच्छा था 50,000 रुपए का 80 करोड़ रुपए धन हो गया एक छोटी सी कंपनी में, जो लोग पिछले एफिडेविट दे रहे चुनाव में वो कुछ करोड़ के आदमी थे, आज सैकड़ों करोड़ के आदमी कैसे हो गए? और मैं इसे पूछना चाहता कि ये बिजली कागजों में है, हकीकत में ब्रातल पर नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिली है, ये प्रायोजित बीवी के आगे 10 आदमी खड़े करते हैं, इंटर सजा देता है अपना और उससे बयान दिला देते हैं,
रसोई गैस ये वहां पास से जहाँ चुनाव होता है, और ये एक किस्म से अनावश्यक रिश्वत देते हैं लोगों को, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जुमलेबाजों की पार्टी है ये। चले बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा जी आपका, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब आपका, सुरेंद्र जी आप इन तमाम बातों को सुन रहे थे, एक फाइनल कमेंट आपका कि जिस तरीके से बातें अब सिर्फ सेना के शौर्य पर आके टिक गई हैं, क्या ये सारी जो घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे, और दो दो जो बातें इस वक्त चल रही है, चौकीदार चोर है वर्सेस मैं भी चौकीदार हूं और सेना का शौर्य, क्या ये सारी बातों पर का जो लबोलू आप रहेगा यही आने वाला है? नहीं देखिए, कोई भी जो चुनाव है न तो वो विकास पे जीता जाता है, हम तो शुरू से इस बात को बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, उसमें दो ही चुनाव जीतने के तरीके हैं, एक इक्वेशन एक इमोशन। जो भी पार्टी टिकट देते समय सही इक्वेशन बिठा लेगी और जो उस चुनाव में एक जनता को टच करने वाला इमोशनल मुद्दा उठा लेगी बिल्कुल वो चुनाव जीतेगी। बाकी तो इनका जो डिस्कोर्स है, गाली गुफ्ता बदतमीजी भाषा का कोई हिसाब किताब नहीं है, आप पे कुछ कहने को नहीं है, कोई किसी को कुछ ही कहता रही है, तो उसमें कोई लबोलवार नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता को ये मालूम है कि न तो उसे 1947 की आजादी से मतलब है और न ही उसे 1970 से मतलब है, वो ये देखना चाह रही है कि इन पिछले 5 सालों में जो मुझे मिला, क्या अगर मैं सरकार का परिवर्तन करूं तो मेरी स्थिति बेहतर होगी, अगर वो 10 साल के पिछले यूपीए के शासनकाल को देखेगी कि भाई उसमें मेरे पास क्या था इसमें मेरे पास क्या है, तो उसको लेकर के उनका चलता है। और मेन मुद्दा जैसे मैंने आपसे कहा इक्वेशंस और इमोशंस, तो इस समय जो आर्मी का शौर्य है जो देश का पराक्रम है वो एक इमोशनल मुद्दा बन चुका है, बिल्कुल इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि बाकी के सारे मुद्दे गौड़ है और जो एक इमोशनल माहौल तैयार किया गया है, क्या वो सारे एक एक मैसेज तो होता ही है। बिल्कुल चले बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो नजरें टिकी हुई है कि राहुल गांधी आज पार्टी के इस घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और क्या कुछ लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। बड़े बहस में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।